नमोद नारायण जी, नमोद नारायण जी, नमोद नारायण जी। दोस्तों, श्रावण का महीना आ गया है। सावन के महीने के अंदर भगवान शिव के आशीर्वाद से 22 जुलाई 2024 से पूरा महीना रत्नों का शुद्धिकरण किया जाएगा। आप भी अगर आपने कोई रत्न पहना हुआ है तो इस रत्न को इस पूरे महीने में एनर्जाइज करें। इसके लिए कुछ विशेष विधियां हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। और हम भी इस पूरे महीने में जितने भी रत्न हैं, इन सारे रत्नों को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, शुद्ध करते हैं, जाप करते हैं। इन रत्नों को भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर के, या अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिसे हम तो बहुत अलग विधि से शुद्ध करते हैं, अलग विधि से प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, रत्न के अंदर जान डाल देते हैं। जैसे आप मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पहले मंदिर में स्थापित करने से पहले वो मूर्ति एक पत्थर का रूप होती है सिर्फ, और मंदिर में रखने के लिए उसका जो एक प्रोसेस है कि 7 दिन तक अनाज में रखना, अलग अलग अनाज में, दूध में, घी में, अलग अलग अनाजों में उसे छुपा के रखते हैं, आंख पे पट्टी बांध के रखते हैं, और उसके पश्चात जब वो 9वें दिन 7वें दिन जब पूजा के पश्चात उस मूर्ति को, उस पट्टी को खोला जाता तो शीशा दिखाया जाता है, पता है आपको, और शीशा टूट जाता है, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। तो दोस्तों, ये भगवान श्री राम मंदिर के अंदर भी ये उपाय किया गया था, मतलब हर बार ही किया जाता है सभी मंदिरों में। जब भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की, तो उनकी जब आंखें खोली जाती है तो शीशा दिखाया जाता है, शीशा टूट जाता है, ऐसा ऐसा माना जाता है कि भगवान उसमें विराजमान हो गए। इसी प्रकार से जो रत्न है, रत्नों को एनर्जाइज किया जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने अंगूठी पहनी है, अंगूठी कोई भी आपने रत्न धारण किया हुआ है, उस रत्न को आपने करना क्या है, उस रत्न को आपने सबसे पहले प्रतिदिन जो भगवान शिव के ऊपर आप जल चढ़ता है, जल चढ़ाते हैं, आप चढ़ाते हो, आपके माताजी चढ़ाते हैं, आपकी पत्नी चढ़ा के आया, या बेटा बेटी घर का कोई भी सदस्य चढ़ा के आता है, थोड़ा सा जल घर पे लेके आया करो। आपका जब भी समय मिले रात्रि काल में या प्रातः काल में, उस जल से आपके रत्न को शुद्ध कर लिया करो, धो लिया करो। दूसरा तरीका यह है कि उस जल को कटोरी में भर के, कांच की कटोरी में रखना है, और ऊपर एक कपड़े से ढक देना है। जो शिवजी पे चढ़ा हुआ जल है, जब आप एक कांच के गिलास में या कांच की कटोरी में उस जल को एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसमें यह रिंग आप डिप करके छोड़ दीजिए, रात को रखनी है और अगले दिन सुबह उसे निकालनी है। और तब आपने ऐसे हाथ करना है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, लगभग 10 मिनट तक सच्चे मन से जाप करना है। ये तो है आपके करने वाला तरीका है कि सिंपली आपने रुद्राक्ष की माला पहनी है, आपने कोई ताबीज पहना हुआ है, कोई ऑर्नामेंट्स ऐसे पहने हैं जिसे आप शुद्ध करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सावन का महीना ऐसा है, सिंपली पूजा भी करके अगर आप इसे शुद्ध कर लेंगे, तब भी आपके रत्न में जागृत अवस्था आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। अगर आपने इसे ब्राह्मण के द्वारा मंत्रों से अभिमंत्रित करा लिया, फिर तो बात ही क्या कहनी है। इस पूरे महीने में नीलम, पन्ना, मोती, माणिक, मूर्तियां और पेंडेंट, ताबीज, सब प्रकार के जितने भी एनर्जी हैं, वो सारी के सारी शुद्ध की जाती है, सारी शक्तियों का आह्वान किया जाता है। और हमारा जो तरीका है वो तो सप्त प्रकार, सप्त मृतिका, सप्त धान्य और फूलों के रस, अलग अलग विधि से इन रत्नों को शुद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठा करके तैयार किया जाता है आपके नाम और गोत्र से। लेकिन आपके पास अगर रत्न या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो आप अपने घर में या अपने पास के मंदिर में जरूर जाएं, वहां का चढ़ा हुआ भगवान का जल लीजिए, उस जल से शुद्ध करें। प्रतिदिन कर सकते हैं, नहीं तो 4 सोमवार 5 सोमवार तो जरूर कर लीजिएगा, और फिर पूरा साल आपके रत्नों की, आपकी अंगूठियों में जो ताकत आएगी, आए हाय हाय क्या बात है, मजा आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए नारायण जी को, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ में। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।